बॉयफ्रेंड ने स्ट्रीट के पीछे लगवाया, उसकी समझ मुझे कोई नहीं आती, बस वो कहती है बेचती हूँ, मैं बेचती रहती हूँ। फिर बहस भी होती है कि तुमने स्ट्रीट तोड़ क्यों दी, अब मुझे नहीं पता इसका क्या मतलब, बट मैं तोड़ देती हूँ जो भी। सो उसके अंदर विजिबल मोड आप लोगों ने रखा हुआ है या इनविजिबल रखा हुआ? इनविजिबल और विजिबल जो है दैट इज बेसिकली योर लोकेशन, आप कहाँ पे हो, कहाँ पे रहें। डू यू थिंक आपके पास लोकेशन आप लोगों की किसी भी ऐप पे ऑन होनी चाहिए? नहीं होना चाहिए। हाँ, एंड आई थिंक ओनली विल यू नीड प्रॉब्लम, उसके अलावा मुझे उसकी समझ नहीं आती कि उसकी क्यों जरूरत है। बट आपके किसी भी ऐप पे आपकी लोकेशन ऑन ना, अगर आप लोगों ने स्नैपचैट पे की हुई है एंड ऑब्वियसली नहीं पता था, दैट्स फाइन, उसको ऑफ करो, बिकॉज जहां भी आप लोग होंगे, जहां भी आप लोग ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी हिस्ट्री वहां नजर आ रही है। लाइक इफ यू आर इन स्कूल तो आपकी ये टाइम और लोकेशन वहां पे शो कर रहे हैं। मेरी दोस्त है कराची से, मतलब ऑरेंज वगैरह बताए, मुझे उनकी स्नैपचैट से पता चल गया, तो मैंने कहा मुझे समझ आ गई तो मुझे मिलना नहीं चाहिए, तो नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तो मैंने कहा नहीं वो तो बात की बात है, तो पर अपनी मेहरबानी करके लोकेशन ऑफ करो, सुना नहीं ना वो एक अलग बात, बट ये कि बिकॉज इट इज फॉर योर सेफ्टी, आई वॉज अ सेफ पर्सन, इट डजंट मैटर, बट यू डू नॉट नो हु इज कीपिंग इट, सो यू हैव टू बी केयरफुल। यस आई अंडरस्टैंड कि फैमिलीज को बताना एक अलग बात है, बट द वर्ल्ड शुड नॉट बी नोइंग वे व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज़ मेरे पास मेरी बेटी की लोकेशन है, सो बट दैट इज अंडर पेरेंटल कंट्रोल, एंड एवरी लाइक आई थिंक फ्यू सेकंड्स एंड की चलते रहेंगे, सो आई नो एग्जैक्टली वेयर इज द वर्ल्ड देयर। बिल्कुल बिल्कुल, हर रिलेशनशिप की एक अपनी डिफरेंट नेचर है, सो नॉट जस्ट योर लोकेशन, योर पासवर्ड, योर अदर प्राइवेट डिटेल्स आर नॉट सपोज टू बी आउट देयर अंटिल एंड अनलेस यू फील कंफर्टेबल कि आप डालना चाह रहे, बट अगेन you know what happens, you have to measure your own circumstances and then do whatever you want to do. Aap koi baat karna chahiye, since in most apps have location on for like personalized ads and ads according to that region and country, like there have been a show you ads from America which only ship to America. Yeah, so isliye wo location wahan iske bhi off karna zaruri hai kyunki aapko wo cheeze nahi milti, बट मेरे ख्याल से वो संभव चीजें अब वो लोकेशन वाइज नहीं, और अब वो आपकी व्यूअरशिप के ऊपर ही वो संभव मैनेज कर रहे हैं, बिकॉज मैंने गलती से उस दिन मोटीफोम वालों को पता करना था कि रमजान में तुम लोगों के क्या पैकेजेस चल रहे हैं, एंड लिटरली एक फोन कॉल, सिर्फ एक फोन कॉल थी, और उसके बाद मेरा सोशल मीडिया भर गया मोटीफोम को देख के, एंड पता नहीं जो मैंने कभी ब्रांड्स नहीं सुना था वो सब भी आना शुरू किया। I think so, this time you don't really need to make a call because I'm top about it. Exactly, and it's there. And it's there. Exactly. स्टूडेंट जैसा सही आप बोल रहे थे ना, वो आपका नंबर अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देती है, तो उसकी वजह से आप उनसे वो ऐड डालती रहती है और उसके बाद में पता लगता है कि क्या लड़की उनका। बिल्कुल, एक तो आप उसको रिपोर्ट भी कर सकते हो, और दूसरी चीज गेट योर सेल्फ आउट फ्रॉम दोज ग्रुप्स, एंड दिस इज नॉट ओनली फॉर दीज पर्टिकुलर जो सेल्स वाले ग्रुप्स हैं, दिस इज ऑल्सो फॉर एनी अदर ग्रुप। एक तो अपने आप लोग व्हाट्सएप की पर्टिकुलरली सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, इवन दो के अगर फेसबुक पे हो तो उसमें भी ऑप्शन होता है कि आपको बगैर इन्वाइट किए कोई ऐड नहीं करें, आप अपनी सेटिंग्स उसके ऊपर शिफ्ट करें, बिकॉज मेनी टाइम्स आपका नंबर उसी चक्कर में ग्रुप में चला जाता है, बाय द टाइम यू रियलाइज होंगे हर वक्त आप फोन नहीं लिख रहे हो, तो आपको नहीं पता कि आपको किस ग्रुप में डाल दिए, तब तक आपका नंबर आ गया, तो उससे बेहतर है कि आप उसको अपनी सेटिंग्स को ऐसे रखें कि आप लोग अपने डिवाइसेज को सेफ कर सकें, नंबर इस तरह मिला हो जाए ग्रुप्स में होने का, क्योंकि देयर हैव बीन केसेस जहां पे ग्रुप्स में ऐसी डिस्कशन हुई जिसकी वजह से पूरे ग्रुप वाले लोग जो थे वो परेशान, तो यू हैव टू बी केयरफुल ऑन दैट।
मिसइंफॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन हमारा प्रीटी मच द लास्ट सेक्शन है दोनों तरफ से. उस पर हम बात करें तो उसके बारे में आपको कुछ अंदाजा है कि क्या है? मिस इन्फॉर्मेशन होती है जहाँ पे आपकी इंटेंशन नहीं है किसी को हार्म करने. आप जो है वो कोई खबर दे रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि ये खबर ठीक है. और कोविड के दिनों में आपने कलौंजी के बारे में, प्याज के बारे में, लहसुन के बारे में, वैक्सीन्स के बारे में, ये सारी चीजों के बारे में सुना. चलो वैक्सीन वाला तो हार्मफुल ज्यादा था, वो तो उसमें ज्यादा चला जाता बेनिफिट्स भी लोगों के थे कि मतलब अब आ रही है. जो चीज बगैर हार्म किए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है वो मिस इन्फॉर्मेशन में आती है क्योंकि उसका नुकसान तो फिर भी है, इन द सेंस कि आप उसको वेरीफाई नहीं पर वो खबर फैल. डिस इन्फॉर्मेशन होती है जहाँ पे आप इंटेंशनली एक खबर को फैलाएं जो नुकसान करे किसी का. जैसे कि आपको कॉल आ जाएगा आपके पेरेंट्स को कि आपके स्कूल में कोई थ्रेट है और आप जाके अपने बच्चों को कहते हैं और स्कूल जो है वो अलहमदुल्ला नॉर्मल चल रहा है जैसा भी नॉर्म, तो बिना वजह का पैनिक क्रिएट कर दिया किसी ने, किसी ग्रुप में ये मैसेज आया. तो जैसे इमेजिन कि अगर उस ग्रुप में 200 पेरेंट्स हैं उस एक स्पेसिफिक क्लास के या सेक्शन के